हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने नहा के पूजा कर ली है भगवान की। अभी घर का पूरा काम जो है बचा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहले पूजा करने के बाद में मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली थी। जैसे ही नहा के आई मैंने सूजी और ओट्स भिगो दिए थे और आज मैं इसी के ही चीले बना रही हूँ। तो कई दिनों से ना ओट्स जो है रखा था और ये यूज़ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसके चीले बना लेती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना सूजी मिक्स कर लिया था और ओट्स ज़्यादा है। थोड़ी बहुत सब्जियाँ हैं जैसे कि कैप्सिकम हो गया, गाजर हो गई और हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने डाली है। और मैंने ना इसे ग्रेट करके नहीं डाला है, मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ना जो इसे पीस लिया था बिल्कुल बारीक, और बैटर में ना एकदम एक सा बना के डाला ताकि इसमें कोई भी चंक्स ना रहे। ऐसे क्या होता है फिर अयन ना निकाल देता है और सब्जियां जब पिस जाती है ना तो फिर उसे पता नहीं चलता है। और मैंने सारे ही चीले उतार लिए, देखिए कितने अच्छे सिके हैं, एकदम गोल्डन, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगे थे ये चीले। तो टिफ़िन की रेसिपी भी है, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और अभी सारे ही बच्चों की छुट्टी है, त्यौहार है तो छुट्टी हो रखी है, वैसे ही अगेन स्कूल खुलेगी तो सारे बच्चे जो है सुबह सुबह स्कूल जाएंगे। तो सबसे पहली जो टेंशन रहती है हर माओ की यही रहती है कि उनको लंच में ऐसा क्या दें जो वो ख़त्म करके आए, खा के आए पूरा और हेल्दी भी हो साथ साथ। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सूजी और ओट्स का आप चीला बना सकते हैं, इसके कटलेट्स भी बना सकते हैं। कटलेट की रेसिपी मैं फिर कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं ओट्स की कटलेट भी बनाती हूँ जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को खासकर बहुत पसंद आती है। एक छोटे से घर का ना गूगल होती है हाउसवाइफ, जैसे कि गूगल को हर कुछ पता होता है, हम उससे कभी भी कुछ भी पूछे उसका आंसर उसके पास होता है और वो फट से जवाब दे देती है। ठीक उसी तरीके से ना एक हाउसवाइफ होती है जिसे हर चीज़ का पता होता है, आपके सामान का, आपके छोटे मोटी चीज़ों का और आपकी भावनाओं का भी। जब भी हमें कुछ भी ज़रूरत होती है ना तो कोई किसी से कोई सवाल नहीं करता है, सीधे एक हाउसवाइफ से ही पूछा जाता है कि मेरी ये चीज़ कहाँ रखी हुई है, मुझे मिल नहीं रही है, और उसे उस चीज़ का पता बखूबी होता है। और वो भावनाओं की भी बहुत कदर करती है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, वो सबकी भावनाओं की कदर करती है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ अभी हॉल में और ये ऑर्नामेंट जो है ना इसकी रस्सी खुल गई थी और ये थोड़ा सा ना इधर उधर भी हो गया था इस वजह से, तो मैंने अभी इसे अच्छी से बांध दिया है नीचे से और सेट कर दिया। ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी शाम का टाइम हो मैं बालकनी में बैठती हूँ इसी पे ही, और बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी आप इधर उधर मूव कर सकते हैं बहुत ईजी वे में, हल्का होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इसे देखा ना, तो मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ तो मेरे घर में होनी चाहिए, तो मैं ये ले आई थी। और अभी जो है ना मैं कर रही हूँ अपने रूम की क्लीनिंग, तो डेली में तो यहाँ पे जो है ना इस तरीके से डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है क्योंकि एन के पापा का जब ऑफिस आवर चालू हो जाता है तब तक जो मुझे जितनी सफाई करनी रहती है कर लेती हूँ, लेकिन हाँ जिस दिन उनका ऑफ रहता है उस दिन मैं बहुत अच्छी से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ अपने घर की हर एक एक चीज़ को हटा हटा के। और जब ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है, जगह एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती है, तो मन को, दिल को इतनी तसल्ली मिलती है, इतना सुकून मिलता है कि आज जो ये हिस्सा है घर का, ये एरिया, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है। ऐसे तो मैं हर जगह की सफाई करती हूँ, 5-5, 10-10 मिनट डेली देती हूँ, लेकिन रोज़ में आप इस तरीके से डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर दिन होना चाहिए। और हमारी हॉबी भी होती है कभी कभी कि हमें ये काम अच्छा लगता है, ये काम हमें करना है और इस काम में हमारा मन लगता है, तो ऐसा ही कुछ है। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं घर में जिनको हमें करने में बोरियत होती है, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अब
पारी आती है लंच बनाने की, मेरा सारा काम हो चुका है और मेरी जो हेल्पर है वो भी झाड़ू पोछा करके जा चुकी है। अभी मैं बना रही हूँ लंच में दाल चावल और आलू की सब्जी। तो जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ मैं गई सबसे पहले नीचे और आलू लेके आई, क्योंकि कोई भी सब्जी नहीं है फ्रिज में, सिर्फ मेरे पास जो है ना प्याज टमाटर और हरी मिर्च रखा था, आलू नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज मैं दाल चावल और आलू की सूखी सब्जी बनाऊंगी, आलू छील करके। कई बार बॉईल करके बना लेती हूँ लेकिन कई दिनों से ना ये सब्जी नहीं बनी है। तो मैंने एक तरफ जो है दाल धो करके चढ़ा दी है कुकर में और दूसरी तरफ चढ़ाया चावल। दाल चावल हो रहे हैं उतनी देर में मैं सब्जी कट कर लूँगी। और ये सब्जी ना बहुत अच्छी लगती है दाल चावल के साथ, कभी कभी खाने में अच्छी लगती है। डेली में तो थोड़ा सा ना ये खाना एकदम लाइट सा हो जाता है। अगर हम कहीं बाहर सफ़र से आए हैं, थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, बाहर का मिर्च मसाला खाएं, बाहर का खाना खा के आएँ या फिर शादी का खाना खा के आएँ, तो ये सब्ज़ी बहुत परफेक्ट लगती है मुझे। दाल चावल और ये सब्ज़ी अगर आप मिक्स करके खाते हो थोड़ा सा अचार और पापड़ के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर में जो है ना पापड़ एकदम मस्ट है कि दाल चावल के साथ पापड़ खाएंगे ही। अगर किसी टाइम ऐसा होता है कि ख़त्म हो जाता है ना तो लोगों का मुंह बन जाता है कि यार पापड़ ख़त्म हो गया, पापड़ क्यों नहीं ला के रखी है। तो मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ना पापड़ तो ले ही आती हूँ, ख़त्म होता नहीं है उससे पहले ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ना मूंग की दाल का पापड़ बहुत पसंद आता है और मुझे भी। तो ये देखिए ये है हमारा आज का सिंपल सा लंच, दाल चावल और सब्जी। कौन सा है? कैप्सिकम पनीर। हाँ। पता नहीं पिज़्ज़ा हट का हमेशा खाते हैं ना, तो डोमिनोज का पता नहीं टेस्ट अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी जो है ना रात के बज गए हैं 9:30। मैं आपको अभी टाइम दिखाती हूँ, 9:30 बजे में 2-4 मिनट की ही देरी है। और आज ना शाम को जो है कुछ भी खाना मैंने नहीं बनाया, मतलब रात के लिए, क्योंकि आज एन के पापा गए थे ऑफिस और उनको ना ऑफिस में ही खाना खाना था आज। और मुझे जो है ना अभी कुछ ज़्यादा भूख नहीं थी। अब गर्मियाँ आ गई है ना तो गर्मी में भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, सिर्फ प्यास लगती है, वो भी पानी पीने की इच्छा होती है बार बार। और आयन का आज मूड कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो वो बोला मम्मी मेरे लिए आप पिज़्ज़ा मंगा दो, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। तो बस मैंने अभी उसके लिए ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा आ चुका है। और अभी मैं गई थी नीचे, तो नीचे से ना लेके आई थी अभी आलू और साथ में लेकर के आई हूँ दूध और मूली। मूली के पत्ते मिल गए मुझे, क्योंकि मैं नीचे जाती हूँ तभी पत्ते मिल पाते हैं। डी मार्ट से जब सब्जियाँ आती हैं ना तो वहाँ पत्ते वो लोग हटा देते हैं, सिर्फ मूली ही रखते हैं, वो भी बंच में रखते हैं, तो पत्ते बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो मैंने सोचा चलो नीचे जाऊंगी तभी मूली और मूली के पत्ते दोनों मिल पाएंगे। तो अभी मैं लेके आई हूँ दूध गर्म करूंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी। और किचन मेरा ज़्यादा गंदा नहीं है, अभी थोड़ा बहुत जो है ना इधर उधर चीज़ें रखी हुई है उसे थोड़ा ठीक कर दूंगी, बर्तन सारे मांजे हुए हैं। तो चलिए अब बाकी का जो काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अभी मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 9:30 बज गए हैं और अभी जो है ना मैंने भगवान को भोग लगाया है दूध का। और अभी नीचे जाके घूम के आऊँगी, थोड़ा वॉक करेंगे। आप भी हमारे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए लड्डू गोपाल के। अभी सैन का टाइम हो गया इनके, तो आ करके फिर मैं इनको सैन करा दूँगी। और अब गर्मी पड़ने लग गई है ना तो मैं पतली सी जो है ना चादर उड़ाती हूँ भगवान को, और वही उड़ा के सुलाती हूँ। नहीं तो अभी ठंड पड़ रही थी तो रजाई उड़ाते थे। और अभी नीचे आए हैं तो आप देख लीजिए रात का व्यू जो है कितना प्यारा लग रहा है, एकदम दूर दूर में ना लाइट्स दिखाई दे रही है और बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था। रात का टाइम बहुत अच्छा लगता है, बैक साइड है ये सोसाइटी का। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।